ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚੋਂ ਜੋ ਤਰਾਸ਼ ਬਣਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੇ ਖਾਸ ਬਣਦੇ। तो अभी तक मैंने काफ़ी सारे ट्यूटोरियल वीडियो बनाए हैं, टाइम लैप्स वीडियो बनाए हैं, बट आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोग को अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा, कैसे मैंने 100 के सब्सक्राइब अचीव किए पूरा कंप्लीटली आप लोग को बताऊंगा स्टार्ट से लेकर अभी तक। तो ऑलमोस्ट 4 ईयर कंप्लीट होने वाले, मतलब जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था 27 अप्रैल को 2020 में, जब आप लोग को पता ही लॉकडाउन था उस टाइम, तो उस टाइम मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। उस टाइम से लेके मैंने पूरे 1 ईयर तक पूरा रोज वीडियो बनाता था। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे आर्टवर्क टूर वीडियो में, उसमें काफ़ी सारे आर्टवर्क्स हैं, तो मैक्सिमम जो आर्टवर्क्स हैं उसी टाइम के, मतलब उस टाइम मैं रेगुलर एक ड्रॉइंग बनाया करता था। तो जितने भी लोग मतलब पूछते हैं कि आपने अपना आर्टवर्क कैसे इंप्रूव किया, आप कोई ट्यूशन क्लास जाते हो या कुछ भी इस आर्ट क्लास, तो उन लोगों को मैं बता दूँ मतलब प्रैक्टिस से ही मैंने अपना आर्टवर्क इतना इंप्रूव किया है और भी ज़्यादा मैं अभी इंप्रूव करूँगा, और जो भी रहेगा आप लोग को मैं पूरा कम्प्लीटली शेयर करूंगा और आप लोग को सिखाऊंगा भी। तो रेगुलर ड्राइंग बनाने में से मेरे को एक चीज़ का बेनिफिट हुआ, जैसे यहाँ पे ये देखो ये वाला आर्टवर्क मेरा फर्स्ट यूट्यूब ड्राइंग, मतलब जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तब मैंने ये वाला ड्राइंग बनाया था, मैंने अभी तक इसको संभाल के रखा है और मतलब इसका वीडियो तो नहीं है अभी मेरे पे। तो ये वाला ड्राइंग वीडियो तो आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा क्योंकि 4 महीने तक मेरे बस 4 सब्सक्राइबर थे और मेरे जो मैक्सिमम सब्सक्राइबर हैं इन्हें 5 से 6 महीने में बढ़े हैं, मतलब 5 से 6 महीने के अंदर ही मतलब 100 के सब्सक्राइबर मैंने कंप्लीट किए। तो मेरा स्टार्टिंग का जो टाइम था उस टाइम मैंने मतलब अपना एक टाइम फिक्स कर रखा था, जैसे 1 बजे से लेकर मुझे 3 बजे तक ड्राइंग बनानी है, मतलब इस टाइम पे मैं हमेशा ड्राइंग बनाया करता था क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन का टाइम था, मतलब उस टाइम मैं मतलब सब काम छोड़ के मतलब बस उस टाइम ड्राइंग ही करता था, तो ये काफ़ी अच्छा था। तो ऐसे आप लोग भी अपना एक टाइम सेट कर सकते हो, जैसे सुबह मॉर्निंग हो गया या इवनिंग हो गया, किसी भी टाइम पर आप लोग को एक टाइम फिक्स करना है और उस टाइम पर आप लोग को ड्राइंग बनाना ही है, ऐसा मतलब आप लोग एक अपना टाइम सेट कर लो। क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि आप कैसे अपना स्कूल और ड्राइंग मतलब कैसे मैनेज कैसे करते हो, तो मेरा चैनल बिल्कुल ही स्टक हो गया था 1K सब्सक्राइबर पे, मतलब 2 या 3 साल हो गए थे, मतलब फिर भी बिल्कुल सब्सक्राइब बढ़ ही नहीं रहे थे, कभी बढ़ रहे थे कभी घट रहे थे, ऐसा हो गया था मतलब। तो मेरा मेन टारगेट यही था, मुझे अपना पहले तो आर्ट वर्क इम्प्रूव करना था, तो आर्ट वर्क मेरा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका था, तो मुझे रियलिस्टिक आर्ट वर्क ड्रॉ करना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं मतलब धीरे धीरे रियलिस्टिक आर्ट वर्क सीखा मैंने। तो जैसे कि अभी आप लोग को पता ही है, जितने लोग मुझे अभी फॉलो करते हैं उनको पता ही है मैं मतलब अपनी ड्राइंग कितने रियलिस्टिक ड्रॉ करता हूँ। तो फिर ऐसे एक दिन मैंने एक रील देखा, मतलब इस ऑडियो के साथ रील था ये, तो ये ऑडियो में मुझे मतलब लगा कि हाँ सही ट्रांजिशन है, तो मैंने इसका रील बनाया था बस, तो मैंने रील पे तो अपलोड किया ही था, फिर मैंने उसी रील को डाउनलोड करके यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया। तो इसका मैंने मतलब 2 रील बनाया था, एक तो KGF रॉकी का और एक हनुमान जी का, तो मैंने KGF रॉकी वाला तो डिलीट कर दिया था बट हनुमान जी वाला डिलीट नहीं किया था, जबकि KGF रॉकी पे मतलब ये करीब 2K के करीब व्यूज़ आए थे और ये हनुमान जी वाले पे 800 व्यूज़ आए थे उस टाइम, तो आप सोच सकते हो 800 व्यूज़ था मतलब फिर भी मैंने छोड़ दिया ये वीडियो। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 7.1 मिलियन व्यूज़ है इस वाले वीडियो पे और इसका ऑडियो यूज आप लोग देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 3 लाख मतलब कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो ऐसे ही है, मतलब जितने भी लोग ये पूछते हैं कि मतलब सब्सक्राइब कैसे इंक्रीज करो, मतलब मैं इस फील्ड में तो नहीं हूँ बट मैं हाँ आप लोग को बता सकता हूँ। और अभी आप लोग ये भी देख सकते हो मेरा मतलब पहले का वीडियो और अभी का वीडियो कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में, मतलब जैसे वॉइस क्वालिटी हो गया या वीडियो क्वालिटी हो गया, सब कुछ मैंने इम्प्रूव किया अपना, मतलब ऐसे आप लोग भी इम्प्रूव करते रहो अपना जो ड्राइंग है, सबसे पहले तो उसको जितना हो सके उतना इम्प्रूव करो, जैसे मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया, मतलब एक टाइम फिक्स करो और उस टाइम पे ही मतलब अपना ड्राइंग बनाओ, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मैं मैनेज नहीं कर पा रहा, टाइम नहीं मिल पा रहा। तो इसी ऑडियो को यूज़ करके मैंने कुछ और वीडियो अपलोड किया, वो भी वीडियो वायरल हुए ऐसी, और फिर एक लास्ट मैंने अपलोड किया था एक धोनी का वीडियो जो कि चीप वर्सेस एक्सपेंसिव था, और वो वीडियो अभी मेरे चैनल का सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो है। तो आज की वीडियो से बस आप लोग को मैं यही बता रहा था कैसे मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया और कितने कैसे मैंने इतने सब्सक्राइब अचीव किए पूरा कंप्लीटली आप लोग को मैंने बता दिया है। और एक चीज़ और, जितने भी लोग पूछे थे कि आप नेपाली हो, तो ये ऑडियो जो है मेरा नहीं है, मतलब मैंने एक रील से डाउनलोड किया था जैसे कि मैंने आप लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, तो ये किसी और का ऑडियो है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, तो अगर आप लोग को और भी कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जितने भी लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।